crystal grass. Let's go, let's go. Look at my shoe. Let's go. My shoe has lots of it inside. It's all crystals on the ice, crystals look on the grass. My shoe. Oops, look at that. Thank you. Okay, let's go. बहुत सर्दी है यहाँ पर. मैं आज ब्रेकफास्ट बाहर खा रही हूँ. बहुत मज़ा आ रहा है. तो ये देखें, बहुत ही मज़े का एग बना है. इट्स अनबिलीवेबल डिलिशियस. और स्पेशली जब आप इतनी सर्दी में बाहर बैठे हो और साथ में आपका चाय का कप हो और एग हो और सामने नेचर, ब्यूटीफुल नेचर, तो मज़ा ही होता है. एवरीथिंग इज रियली यम्मी. अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इस एग की रेसिपी भी दे सकती हूँ. इसमें बहुत सारी वेजीज हैं और एवरी टाइम मेरे पास जैसी भी वेजीज होती हैं मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ. कोई स्पेशल नहीं है. चॉकलेट चिप कुकी और सब कुछ पिस्ताशियस है. चले आज अभी शॉपिंग के लिए निकलते हैं. आज हमने मैट्रेस बाय करने हैं और प्लस ट्रैम्पोलिन. तो चलते हैं. बहुत ज़्यादा ठंड है और ये देखिए मेरी विंडशील्ड जो है फ्रोज़न हो गई है. तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि कुछ ना पूछे. और अब मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक ये डीफ्रॉस्ट नहीं होती. मैंने हीट चला दिया गाड़ी में और देखते हैं इधर उधर. ये देखें, ये कितना प्यारा है. ये इसके कलर, लीव्स के कलर चेंज हो गए हैं फॉल की वजह से और ये बिल्कुल मैरून कलर के हैं. अब हम लोग शॉपिंग के लिए पहुंच गए स्टोर में. यहाँ से मैट्रेस लेंगे. मैट्रेस तो बहुत ही बड़े हैं. आदमी मेरी हेल्प करने लगा लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं इनको उठा के लेके जा सकती हूँ. मुझे अपने हस्बैंड का इंतज़ार करना पड़ेगा. अच्छा, वो तो मैट्रेस डिलीवर नहीं करते लिहाजा मुझे यहीं छोड़ के जाने पड़ेंगे और मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी. तो मैं अभी सिर्फ ट्रैम्पोलिन लेके जाऊँगी और कुछ ग्रोसरी जो कि डेली रूटीन में चाहिए होते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो मैं लेके जा रही हूँ अभी फ़िलहाल. तो पिछले टाइम इवनिंग को हम लोग वापस आएँगे मैट्रेस लेने के लिए. अच्छा, ये एक मज़े की चीज़ देखें. कभी आपने इतना बड़ा प्रिंगल्स देखा है? मैंने तो नहीं देखा. ये देखिए कितना बड़ा प्रिंगल है. ये मेरी कमर से भी ऊपर जा रहा है. रात के वक्त हम मैट्रेस घर में लेकर आए थे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ. ये क्वीन मैट्रेस एक का है और दूसरा क्वीन मैट्रेस दूसरे बेटे का है. तो सर दोनों अभी एक ही रूम में, हमने जल्दी में इनको डाल के दे दिए इधर.
क्योंकि दूसरे के बेडरूम में काम हो रहा है, ये जो फ्लोर आपका नजर आ रहा है वो कारपेट उतार के हम लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं। और ये हो गया मेरा मैट्रेस जो कि किंग साइज है, तो ये बहुत जोर शोर लगाने के बाद ये ऊपर चढ़ी गए बेडरूम के तक। आज बच्चों ने मैकडोनल्ड की डिमांड की तो वहाँ पर मैं गई है, उनको हैश ब्राउन बहुत पसंद है, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को कहा है कि आप लोग मीट पैटी की जगह हैश ब्राउन नहीं ले सकते, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलें छोड़ देते हैं इनको, डंकिन डोनट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से डिसाइड किया कि डोनट्स लेते हैं और कुछ हैश ब्राउन इनसे ले लेंगे। तो यहाँ के डोनट बहुत शानदार है, मैं आपको थोड़ी सी इनकी वीडियो दिखाऊंगी, दे आर वेरी डिलिशियस एंड वेरी डिफरेंट। मैंने पाकिस्तान में भी खा के देखे हैं और मैंने अरब कंट्रीज़ में भी खा के देखे हैं, और मेरे बच्चों ने भी, दे डिडंट लाइक इट, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पर तो वो छोड़ते नहीं है, इनमें इनमें कोई ऐसी स्मेल नहीं होती, कोई ऐसा अजीब टेस्ट नहीं होता घी ऑयल वगैरह का, तो ये बहुत ही यमी होते हैं। सो हियर वी गॉट आवर ऑर्डर एंड हम लोग घर जा रहे हैं अब, लेकिन आज सुबह सुबह सभी होंगे। तो डंकिन डोनट से होकर आगे है, ये पम्पकिन डोनट है, ये कोकोनट डोनट है, और ये बाकी सारे स्प्रिंकल्स हैं। तो मैंने मुख्तलिफ किस्म के डोनट्स लिए, ये दो स्पाइडर हैं और साथ में हैश ब्राउन लिए हैं बच्चों के लिए, उनको पसंद होते हैं। तो अब इन सबको देखते हैं कि इनकी चॉइसेस क्या हैं। लस्सी, कुछ कुकीज़ हैं, कुछ जूस है, तो आज डोनट्स की पार्टी होगी। देखते हैं यूसुफ कौन सा पसंद करता है, और ताहा एंड खौला। सो लेट्स सी, ये यूसुफ आ गया है अब, इस अपनी मर्जी से ये डोनट लेगा। एंड लेट्स सी आप क्या सोचते हैं कि कौन सा डोनट लेगा। ओह माय गॉड, पिंक स्ट्रॉ विद स्प्रिंकल्स, स्ट्रॉबेरी विद स्प्रिंकल्स, और ये उसका हैश ब्राउन है, तो इसने चूज़ किया स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल। लेट्स सी ताहा अब आ रहा है कि वो कौन सा चूज़ करेगा, देखते हैं ताहा कौन सा चूज़ करते हैं। चॉकलेट स्प्रिंकल्स, और साथ में उसके ये हैश ब्राउन है, तो उसको हैश ब्राउन भी देते हैं। और लास्ट में है, ये ताहा की प्लेट है, लास्ट में खौला की बारी रह गई है, एंड देखते हैं कि खौला कौन सा चूज़ करती है। नाउ स्पाइडर वाला नहीं लेगी क्योंकि इसने पिछली दफ़ा भी नहीं पसंद किया था, तो अब देखते हैं कि स्प्रिंकल्स डोनर्स में से ये कौन सा लेगी। मैं तो भाई पम्पकिन पसंद करती हूँ, और यहाँ कोकोनट, ओह शी गॉट द वनीला स्प्रिंकल्स, और साथ में इसके हैश ब्राउन। तो ये हो गई खौला की प्लेट, वनीला स्प्रिंकल प्लस हैश ब्राउन। स्विमिंग अभी चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।